हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में। गाइस ये देखिए गुड़ के पारे। तो आज हम गुड़ के पारे बनाएंगे, या गुड़ के सेव आप बोल सकते हैं इसको, हम गुड़ के पारे कह सकते हैं। तो इसको हम बनाएंगे गुड़ के पारे एक नए फ्लेवर में। तो आप लोग जरूर देखिए हमारी ये पूरी रेसिपी। तो चलिए चलते देखते हैं कैसे बनाना है। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में। गाइस आज हम बनाने जा रहे हैं गुड़ के पारे, ठीक है, गुड़ पारे। तो ये देखिए एक कटोरी हमारी मैदा जो कि हमने छान कर ले लिया अच्छे से। लाएंगे हम मोयन, ये देख सकते हैं गाइस हम घी का मोयन लगाएंगे, ठीक है। तो जिस हिसाब से लगाएंगे, देखिए 2 स्पून, 3, ये हम 4 स्पून डाल रहे हैं। ये देखिए 5 स्पून हमने घी डाल दिया है। वैसे तो सब कहते हैं मैदे का चौथाई भाग डालते हैं घी, बट हम इस तरह से नहीं आपको बताएंगे, हम बिल्कुल परफेक्ट माप बताएंगे। क्योंकि मैदा हमने कटोरी किस हिसाब से मैदे की भरी है, आप अपने यहाँ किस हिसाब से मैदे की कटोरी भरते हैं उसमें अंतर आ जाता है, ठीक है। तो ये देखिए 5 स्पून से अभी कुछ नहीं हुआ है और ये नॉर्मल खाने वाली स्पून है, तो इससे हम और घी डालेंगे, ठीक है। ये देखिए 5 पहले डाली थी, 4 अभी डाल दी हैं, इतना इनफ होगा हमारे हिसाब से। तो इसको हम अच्छे से मिलाएंगे, ठीक है। ये देखिए इतना इनफ है और ये देखिए मुट्ठी बंद कर रहा है तो अच्छे से बंद हो रही है। तो यही परफेक्ट मोयन लगाने का तरीका है, इस तरह से देखने का। और एक बात गाइस, जो हम खस्ता चीजें बनाते हैं उसमें घी का मोयन ज्यादा अच्छा होता है। मीठा मीठे चीज में तो घी का मोयन बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन वैसे भी हम किसी चीज को में भी अगर खस्ता बनाना चाहते हैं जिस चीज को, तो उसमें घी या फिर वनस्पति घी का प्रयोग करें। ये देखिए अच्छे से बन रहा है, तो ये हमारा मोयन बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसको अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए गूंद लेंगे। देखिए बहुत ज्यादा नहीं पानी इसमें लगेगा, बिल्कुल देखिए कटोरी पानी है इसमें, देखिएगा कितना पानी लगता है, क्योंकि मोयन पड़ा है, मोयन वाली चीजों में पानी कम लगता है। और इसका डो भी हमें सख्त ही लगाना है, ठीक है। ये देखिएगा इस डो लग चुका है और आप ये देख सकते हैं मुश्किल से 6 से 7 स्पून पानी लगा है, बहुत ज्यादा नहीं लगा है, आप देख सकते कटोरी, ठीक है। तो इसको भी अच्छे से गूंथ लेंगे और 10 मिनट के लिए इसको हम रेस्ट पर रख देंगे। ये देखिएगा इस तरह से ढककर रख देंगे जिससे कि हवा ना इसमें जब पास हो पाए अच्छे से 10 मिनट के लिए। एक बात और गाइज, हम आपसे कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे आपसे, प्लीज हमारी वीडियो पूरी देखें, क्योंकि इस समय हमने कोविड वाला टीका लगवाया हुआ है, फिर भी फीवर भी है हमारे, मगर फिर भी आप लोगों के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, वीडियो रोज ला रहे हैं। तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो पूरी देखें, जिससे कि हमें भी थोड़ा मन हमारा भी थोड़ा सा खुश हो जाए कि हाँ हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग हमारी वीडियोस देख रहे हैं, तो प्लीज देखिएगा। मिलते हैं 10 मिनट बाद। ये रहेगा 15 मिनट हो चुका है, तो उसको आप थोड़ी देर और मसल लेंगे, फिर उसकी पूड़ियां बेलेंगे। ये देखेगा 2 हमने हिस्सों में कर लिया है, इसको बेलेंगे। वैसे गाइस एक ही करने वाले थे, बकर एक करेंगे तो ज्यादा मोटा हो जाएगा, हमें इतना मोटा नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसको हम ऐसे करके बेल लेंगे। देखिए इसमें कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मोयन पड़ा हुआ है, अच्छे से ये बेल जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो इसको बेलेंगे, ये देखिए गाइस इस तरह से बेल लिया और इसकी मोटाई देख लीजिए। ये देखिए बहुत मोटाई हमने नहीं करी है, आप चाहें तो थोड़ा सा मोटा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से अब हम इनको कट कर लेंगे, ठीक है, जैसे सेमियां हमने काटी थी उसी तरह से कट करेंगे, इस तरह से, ठीक है। और इसको अब जिस भी आकार में आप काटें उस तरह से काट लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम थोड़ा सा हल्का सा तिरछा काटेंगे, इस तरह से रखते हैं। ये देखिए उसी तरह से ये पूड़ी भी बेल लिया, इसको भी हम कट कर लेंगे गाइस, देख सकते हैं। इसी तरह से काट लेंगे सारे, ये देखते गाइस सारे कट गए हैं। तो चलिए बनाते हैं अब इनको। ये देखिए गाइस हमने तेल रख दिया था अपना, तो ये डालकर देख लेंगे इसमें। ये देखिए डालते ही बबल्स सिर्फ आए हैं, ऊपर नहीं आया, तो इसी फ्लेम में हम डाल देंगे अपने ये जितने भी हैं, जिस हिसाब से हम आ जाएंगे इसमें। ये देखिए इस तरह से, क्योंकि धीमी फ्लेम पर पकाएंगे ना तो ये अच्छे से बनेंगे। और गाइस देखते रहिएगा लास्ट में बहुत टेस्टी, मतलब इतना अच्छा टेस्ट आएगा, देखिएगा लास्ट में हम क्या चीज डालते हैं जिसमें बहुत 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 अच्छी बहुत टेस्टी चीज स्वाद आता है।
और गाइस इस तरह का स्वाद आप अपने घर पर ही बनाते समय ले आ सकते हैं, और ये सर्दियों के लिए भी बहुत अच्छा है। ये देखिए गाइस, आप एक मिनट हो चुका है, तो अब हम इनको ऐसे करके हिला देंगे, बट ऐसे ही धीमी फ्लेम पर ही हमें पकने देना है। ज्यादा छेड़खानी करेंगे तो ये टूट जाएंगे या फिर मुड़ जाएंगे आपस में, ठीक है। तो इनको धीमे धीमी फ्लेम पर पकने देते हैं। देखिए गाइस, कलर बहुत अच्छे से आ गया है, तो उसको निकाल कर अब अलग रख लेंगे प्लेट में। ये देखिए, अब सेकंड बैच भी इसी तरह सेक लेंगे। ये देखिए गाइस, हमारे बन के तैयार हैं, ठीक है। ये कुछ थोड़ा सा लाइट ज्यादा हो गए डार्क, तो इनको रखेंगे ठंडे होने के लिए। और एक तोड़कर भी दिखा देते हैं, ये देखिए कितनी क्रिस्पी है और अंदर तक बिल्कुल खस्ता। तो चलिए अब इनके लिए बनाते हैं गुड़ का पाक। ये देखिए गाइस, 100 ग्राम हमने गुड़ ले लिया है, ठीक है, क्योंकि सेमी हमारी थोड़ी सी है 100 ग्राम के करीब। तो ये देखिए, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसमें, बहुत ज्यादा पानी नहीं ऐड करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे इसमें, और अब हम अपनी फ्लेम को ऑन करेंगे। फ्लेम धीमी रखेंगे जिससे कि गुड़ पिघले, तो धीरे धीरे धीमी धीमी फ्लेम पर पिघले। देखिए गाइस, बहुत ज्यादा नहीं हमने पानी ऐड किया है, मुश्किल से 10 से 12 स्पून पानी ऐड किया है, और गुड़ को हमने कूट लिया था पहले ही, ठीक है। तो गुड़ जरूर कूट लें जिससे कि ये पिघलने में हेल्प हो, ठीक है। और अब हम इसको मेल्ट कर लेंगे अच्छे से, फिर देखते रहेगा, क्योंकि इसमें एक ऐसी इंटरेस्टिंग सी चीज डालेंगे जो कि हेल्थ के लिए भी अच्छी होगी आपके, और स्वाद भी बहुत अच्छा बनाएगी आपका। देखिएगा, इसको चलाते ही पकाना है हमको, ठीक है, जैसे कि तली में चिपके नहीं, क्योंकि पानी हमने थोड़ा ऐड किया हुआ है। तो चलाते रहेंगे तो ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा और जलेगा भी नहीं तली में। ये देखिएगा, हमारा पिघल गया है गुड़, और पकने भी लगा है अच्छे से, ठीक है। तो इसको अच्छे से पकाना है। और गाइस, अगर गुड़ में कोई इम्प्योरिटी हो तो आप छान लें, बट ऐसा कुछ नहीं है, हम इसको ऐसे ही रखेंगे और चलाते रहेंगे, इसको छोड़ेंगे बिल्कुल भी नहीं। ये देखिए गाइस, मेन इंग्रेडिएंट ये है कि हमने 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया था, उसको हमने कद्दूकस कर लिया है, और वही हम इसमें डाल देंगे। इससे ना सौंठ की महक आएगी, बहुत टेस्टी लगेगा ये खाने में। इसे आपका मीठा भी नहीं बहुत लगेगा और बहुत टेस्टी लगेगा। और अदरक वैसे भी ठंडियों में काफी कुछ फायदेमंद होती है। तो देखिए, इसको हम पका लेंगे अच्छे से। ये देख सकते हैं गाइस, ये पक रहा है अच्छे से। तो हम इसको ड्राप डाल के आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, जो लास्ट की ड्राप है वो काफी देर में ड्रॉप गिर रही है, ये देख सकते हैं, यानी एक तार की चाशनी बनने लगी है। तो हमको इसी तरह से बनाना है, देख सकते हैं। थोड़ा सा और पकाएंगे अभी अच्छे से हुआ नहीं है। ये देखिए गाइस, तार जैसा बनता हुआ दिख रहा है आपको, देख सकते हैं। ये देखिए, बस इसी टाइम पर हमें डालना है। तो ये देख सकते हैं गाइस, हमने फ्लेम बंद कर दी है बिल्कुल भी, और अपनी ये जो है वो हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। और इसको हमें हाथ रोकना नहीं है, बराबर ऐसे चलाते रहना है जिससे कि ये अच्छे से कोट हो जाए और गुड़ भी हमारा इसी सब में चिपक जाए अच्छे से, ठीक है, इस तरह से। ये देखेगा, हमने फ्लेम पर से उतार लिया, क्योंकि हमारा चूल्हा गर्म होता है ना, इस वजह से जल्दी ठंडा नहीं होता है, तो इसको हमें ठंडा करना है। चलाते हुए ऐसे ठंडा कर लेंगे जिससे कि अच्छे से चिपक जाए। ये देखिए गाइस, एक थाली में हमने पानी ले लिया है जिससे कि हमारा थोड़ा जल्दी ठंडा हो जाए। तो इस थाली में इस कढ़ाई को हम रख देंगे और ये जल्दी से ठंडा हो जाएगा, हमारी मेहनत थोड़ी सी कम लगेगी। तो इसको ऐसे ही हमें चलाते रहना, वरना एक में ही जुड़ जाएंगे ये सारे, ठीक है। और गाइस, इसका कलर थोड़ा सा ब्लैक आपको दिख रहा होगा, क्योंकि हमारा गुड़ थोड़ा सा ब्लैक वाला है, ठीक है। गुड़ भी कई प्रकार के आते हैं, तो गुड़ हमारा ब्लैक वाला है, इस वजह से आपको काला दिख रहा होगा। देखिए गाइस, बनकर रेडी है बिल्कुल, देख सकते हैं, अभी भी गर्म है गाइस। तो चलिए, इनको ठंडा होने देते हैं, फिर सर्व करते हैं। ये देख सकते हैं गाइस, हमने इस तरह से इसको फैला के रखा है। क्यों गाइस? इसलिए क्योंकि देखिए, हमारे में गुड़ की मात्रा ज्यादा है, आप देख सकते हैं खुद ही कि कितना सारा गुड़ इसमें लगा हुआ है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा गुड़ कम लेंगे तो आपको इतना फैलाना नहीं पड़ेगा, और बहुत टेस्टी, अभी भी बहुत गर्म है। और गाइस देख सकते हैं, ये देखिए कितनी प्यारे और कितने यम, कितनी अच्छी सी कोडिंग हुई है, बहुत प्यारे। चलिए सर्व करते हैं इनको। ये देखिए गाइस, अब इसको सर्व कर देते हैं अपना, देख सकते हैं कितने टेस्टी, बच्चे तो खा के बहुत खुश होने वाले हैं, क्योंकि इनका कलर भी थोड़ा सा ब्लैक है,
तो ये चॉकलेट, आप इसे चॉकलेट फ्लेवर में भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आज की हमारी यही रेसिपी, अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज इस सर्दियों में इसको जरूर एक बार ट्राई करें और बनाएं। तो प्लीज अगर हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। चलिए ये देखिए, प्लीज अगर हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी के साथ।